नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे देश भारत में वैसे तो कई महान पर्सनैलिटीज ने जन्म लिया है, पर उनमें से एक जिनको मैं पर्सनली अपना आइडल मानता हूँ वो है आचार्य चाणक्य। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, उनको हर चीज़ में ज्ञान था। आचार्य चाणक्य का जन्म समवेयर अराउंड 325 BCE में तक्षशिला में हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, ये दोनों उनके मेन रिटन वर्क्स हैं जो हमें अभी भी मिलते हैं। तो आज मैं आपको चाणक्य नीति के पहले अध्याय से ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएंगी, गाइड करेंगी। तो पहले अध्याय के 5वें श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किन कारणों से एक व्यक्ति जीते जी ही मरता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुरा जीवन साथी, दुष्ट मित्र, मुंहफट नौकर और जिस घर में सांप रहते हों वहां व्यक्ति पल पल मरता है। यदि आपका जीवन साथी का स्वभाव अच्छा ना हो, वह घर बार ना संभाले, बड़ों का आदर ना करे और आपका अपमान करे, तो वह मौत का कारण बनता है, क्योंकि अपमान को मौत के बराबर ही माना गया है। उसी तरह दुष्ट मित्र का भी कोई भरोसा नहीं कि वह आपको कब धोखा दे दे और अपमान का कारण बन जाए। वैसे ही मुंहफट नौकर, जो हर बात पे पलट कर जवाब देता हो, आपसे आर्गुमेंट करता हो, उससे भी बचकर ही रहना चाहिए। और जिस घर में नेगेटिव लोग रहते हों वहाँ भी सावधानी से ही रहना चाहिए, क्योंकि वह पल पल हमें अपमानित करने का ही कारण ढूंढते हैं। 7वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धन इकट्ठा करना ही चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में पैसे ही मनुष्य को हर दुख तकलीफ से निजात दिलवा सकते हैं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, कोरोना के चलते भी सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आ रही है वो मजदूर लोगों को ही आ रही है, इसलिए धन को इकट्ठा करना ही चाहिए। साथ ही में चाणक्य ये भी कहते हैं कि पैसा परमानेंट चीज़ नहीं है, वह भी कभी कभी नष्ट हो सकता है, इसलिए ऐसे में हमें दुख तकलीफ सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है अनिल अंबानी, जो फिलहाल बैंकरप्ट हो चुके हैं। 8वें श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किस देश में हमें नहीं रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति का आदर ना हो, इनकम का कोई सोर्स ना हो, जहाँ कोई हमारे दोस्त या रिलेटिव्स ना हो, और चौथा सबसे ज़रूरी, जहाँ प्रॉपर एजुकेशन ना मिलती हो, उस देश को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे देश में हमारी कभी उन्नति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकता। अगर आज भी देखें तो ज़्यादातर कारण जिस कारण लोग देश से जाते हैं वह है इनकम और एजुकेशन। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है चाणक्य जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे चाणक्य जी 11वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे हम अपने वेलविशर्स यानी हितैषियों का पता लगाएं। चाणक्य कहते हैं कि किसी नौकर की परीक्षा तब ली जाती है जब उसे हम कोई काम सौंपे। यदि वह हमारा काम पूरी निष्ठा से करता है तो हम समझ सकते हैं कि वह सच्चा हितैषी है। उसी प्रकार किसी रिलेटिव की परीक्षा तब ली जाती है जब हम किसी बुरी आदत में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में एक सच्चा रिश्तेदार ही हमें सहारा देता है और हमें सुधारने की कोशिश करता है। मित्र का तब पता लगाया जा सकता है जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। ऐसे में एक सच्चा मित्र ही हमें सहायता करता है और हमें तकलीफों से निकालने की कोशिश करता है। उसी तरह एक सच्चे जीवन साथी का भी तब पता लगता है जब हमारा अपना धन नष्ट हो जाए। ऐसे में एक सच्चा जीवन साथी हमें सहारा देता है, ना कि हमें छोड़ने की और मजाक बनाने की कोशिश करता है। आई होप कि आपको सीखने को कुछ ज़रूर मिला होगा, और अगर आप भी चाणक्य नीति पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को हेल्प करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद।